जितने भी ये सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होते हैं वो पहले महीने नहीं हो सकते, दूसरे में भी नहीं हो सकते, तीसरे में भी नहीं हो सकते। अच्छा, अंग बने ही नहीं है तो आप कैसे फर्क करेंगे लड़की है कि लड़का? तो जो जीव उस अभी बन रही देह में था, हम कह सकते हैं वो अभी ना लड़की ना लड़का कुछ भी नहीं, बॉडी स्टिल डेवलपिंग। चौथे महीने बाद जाकर के ये क्लियर होना शुरू हो जाता, पांचवें महीने में तो एकदम स्पष्ट अल्ट्रासाउंड में दिखता। तो ये डेफिनेशन जेंडर की, लड़की या लड़का होना, ये तो बहुत बाद में बनता है। शुरू का एक हफ्ता कुछ नहीं, दूसरे कुछ नहीं, तीसरे कुछ नहीं, पहले महीने कुछ नहीं, दूसरे महीने में कुछ नहीं है। तो मैं न लड़की है न लड़का, मैं ना स्त्री हुआ न पुरुष, क्योंकि मैं तो देह ही नहीं हूं। अब प्रश्न ये उठता है, आप जो बिना देह के हो, आप जो अशरीरी हो, आप कैसे हो? रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा, परमात्मा के होने का प्रमाण क्या है? रामकृष्ण बोले, परमात्मा के होने का प्रमाण तुम हो। कहते मैं? बोले शरीर नहीं। तो बोले फिर मेरा मन? बोले नहीं वो भी नहीं। तो बोले फिर मेरी बुद्धि क्या? बोले नहीं वो भी नहीं। फिर बोले मेरी चेतना क्या? नहीं, बोले वो भी नहीं। तुम बिना देह, बिना मन, बिना बुद्धि, बिना बिना इस माइंड के लेवल की जो चेतना है, बिना इस कॉन्शियसनेस के, बिना इस चेतना के, हम उस सोच में पड़ गए। बोले ये आप क्या बोल रहे हैं? देह हूं ये पहचानते हैं, शरीर में, शरीर को देख सकते हैं, हाथ पैर हाँ देख सकते हैं, और शीशे में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ये देह मैं हूं। आप कह रहे देह ही मैं नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? रामकृष्ण बोले बस यही ढूंढना है तुमको कि तुम कौन हो बिना शरीर के, कौन हो बिना मन के, तुम कौन हो बिना बुद्धि के, तुम कौन हो बिना इंद्रियों के, विदाउट द सेंसेस, विदाउट द बॉडी, विदाउट द माइंड, विदाउट द इंटेलेक्ट। दैट दैट इज द एविडेंस ऑफ गॉड, दैट इज। ऐसी जब बात कही जाती है तो बहुत लोग इसको लिटरली ले लेते हैं, माने ये गुरुजी कह रहे तो ठीक ही होगा, सत्य ही होगा। तो वो कह रहे हम शरीर मन बुद्धि नहीं है, तो हम शरीर मन बुद्धि नहीं है, तो ऐसा एक धारणा बना ली, खोज नहीं करी। यू हैव टू सर्च फॉर दैट स्टेट वेयर देर इज नो बॉडी, देर इज नो माइंड, देर इज नो इंटेलेक्ट, एंड यू आर। जब तक आप उस स्थिति का अनुभव नहीं करेंगे जहाँ शरीर नहीं, जहाँ इंद्रिय नहीं, जहाँ मन नहीं, जहाँ बुद्धि नहीं है, पर आप हो, क्या आप ऐसी स्थिति, किसी ऐसी स्टेज से परिचित हैं? देखिए, जब आप बैठे हुए थे अभी थोड़ी देर पहले, हम जब ओंकार और प्राणायाम कराते हुए आपको बैठाए हुए थे, तो मन बड़ा अच्छा था, मन बड़ा शांत था, मन खुश था, मन सुख की अनुभूति कर रहा था। पर ये तो मन कर रहा था ना, तुम्हारी बात थोड़ी हुई अभी ये। मन के साथ तुम्हारा इतना एकत्व है कि मन के शांत होने को तुम अपना शांत होना समझते हो, और मन के परेशान होने को मैं परेशान हो गया ये समझते हो, और कोई बात समझ आ जाए तो आप कहते हो मुझे समझ आ गई। आप उस समय ये फर्क कर ही नहीं पाते हो कि समझ तो बुद्धि को आई, और शांत और अशांत तो मन होता है,
और शरीर अगर सीधे बैठा है तो भी वो शरीर है, और अगर आड़ा टेढ़ा हिल रहा है तो वह भी शरीर है, और शरीर तो मैं हूं नहीं। तो तुम कैसे हो बिना देह बिना मन बिना बुद्धि के, तुम कैसे हो? एक हो जो, यारी कह रही एक हो जो, ये मुष्टि नहीं आवे तुम मुट्ठी में नहीं आ सकता हो, देह मुट्ठी में आएगा। देह छोटा होता है तो उठा लेते गोदी में बच्चे को, और थोड़ा बड़ा हो जाए तो थोड़ी मुश्किल से फिर उठाते, और जब ज्यादा ही बड़ा हो जाए फिर तो उठाया ही नहीं जा सकता है, और जब कोई उठाने का मौका आ जाए माने कोई बीमार हो जाए तो फिर दो तगड़े लोग चाहिए जो उठाएं, और जो मर जाए तो चार लोग चाहिए जो उठाएं। छोटा था तो कोई भी गोदी में उठा लेता, बड़े को कौन उठाए? बड़े को कौन उठाए? अब ये सब स्टेजेस शरीर की हैं, बच्चा जवान मोटा पतला लंबा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर जो नहीं था तो भी हम थे, शरीर जो नहीं रहेगा तो भी हम होंगे, अभी भी शरीर से अलग है। अब बिना शरीर के मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं? ये जो तुम हो ये हाथ में नहीं आते किसी के, तुम्हें कोई मुट्ठी में नहीं ले सकता, तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता। स्थूल सूक्ष्म को कैसे पकड़ेगा? अच्छा, शरीर स्थूल है, आपका मन सूक्ष्म है। हैव यू एवर सीन योर माइंड? मन कैसा होता है? हाउ डज माइंड लुक? इज योर माइंड टॉल फेयर डार्क हैंडसम? इज योर माइंड थिन स्लिम एंड फेयर? इज योर माइंड ओबीस और स्किनी? हाउ इज योर माइंड? कैसा मन दिखता? अब मन तो ऐसा दिखता नहीं, मन सूक्ष्म। किसी का शरीर तो तुम पकड़ सकते हो, किसी का मन कैसे पकड़ सकते हो? स्थूल से सूक्ष्म पकड़ा नहीं जाएगा। एक आदमी महात्मा के पास गया, कहते महाराज मेरा मन बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, कुछ करिए। महात्मा कहते ला दे अपना मन, मैं अभी उसे ठीक कर देता हूं। दे बोले हैं मन कैसे दूं? मन कोई देने की चीज है? बोले नहीं, कोशिश तो कर, ढूंढ अपना मन कहाँ है, पकड़ उसको और मेरे हाथ में दे, मैला होगा तो धो के साफ कर दूंगा, और कमजोर है तो उसको मैं तगड़ा बना दूंगा, तो दे अपना मन। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो मेरा मन आपको नहीं दे सकता हूं। बोले तो जिसको तू मुझे दे नहीं सकता है तो उसको ठीक तुझी को करना पड़ेगा, मैं कैसे करूं? कौन करेगा आपके मन को ठीक? कोई और, आप ही को करना। मन सूक्ष्म है, मन को आंखों से आपने कभी देखा नहीं, मन को कभी कानों से सुना नहीं, मन को कभी जीभ से चखा नहीं, मन को कभी नाक से सूंघा नहीं। हाँ, पर मन के होने पर तो कोई संशय नहीं तुम्हें? यू विल नेवर डाउट दैट माइंड डजंट एग्जिस्ट? माइंड इज देयर, although you haven't seen it, touched it, smelled it, tasted it, you haven't done anything. परमात्मा वो है जो तेरी दृष्टि में नहीं आएगा, कान से सुनाई नहीं देगा, हाथ से छुआई नहीं होगा, जीभ से चख नहीं पाओगे, दृष्टि से मुष्टि नहीं आवे, नाम निरंजन वाको। ऐसा निरंजन है कुर प्रताप साधु की संगत,
गुरु के प्रताप से जो साधु की संगत तुम्हें मिली, माने इसका अर्थ यह है गुरु के प्रताप से जो तू साधु हो जाए, साधना करे, तो उलट दृष्ट जब ताको, तो उलट दृष्ट करे। अभी आंख देखती बाहर, फिर आंख बाहर न देखे, आंख भीतर देखे। अभी मन जाता है बाहर, फिर मन बाहर न जाए, मन भीतर देखे। अभी बुद्धि बाहर की चीजों को सोचती है और बाहर की सब सोच हटा के ये अंदर को लौट जाए। अभी चेतना बाहर को जाती रहती है, फिर वो अंदर को लौट आए। उलट दृष्ट जब ताको, ताको मने तब देख सकोगे उसे। यारी कहे सुनो भाई संतो, वज्र भेद कियो नाको। नाको मने रास्ता, बोले रास्ते पर अगर ऑब्स्ट्रक्शंस पड़े हों तो उनको तोड़ के अलग कर दो, दूर कर दो। ऐसे ही जो तुम्हारी अक्ल पे पत्थर पड़े हुए हैं ना, इन ऑब्स्ट्रक्शंस को दूर करो। अज्ञान का पत्थर पड़ा है बुद्धि पर, इसे हटाइए। मन में राग द्वेष वासना इच्छा पड़ी, इसको हटाइए। ये सब दूरी करिए, दूर करिए ये सब ऑब्स्ट्रक्शंस को। सुषुम्ना के मार्ग में जो अवरोध हो रखे हैं, बोले वो हटाओ, खोलिए। द्वार बंद हैं, द्वार खोलिए। फिर दिखेगा वो कौन है, वो कहाँ है, वो कैसा है। रसना राम कहते थे ठाकुर, जीभ से राम 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 बोलने से राम का पता ना चलेगा। राम का पता लगाना है तो उलट दृष्ट जब ताको, दृष्टि उल्टी करनी पड़ेगी। इसका अर्थ बहुत लोग गलत करते हैं कि जैसे वाल्मीकि जी राम राम भूल गए, मरा मरा करने लग गए और उनको राम मिल गए, वो भूल गए थे। अरे पागल, भूले नहीं थे वो। राम का उल्टा हुआ, मैंने मन बुद्धि जो बाहर जा रहे थे उनको भीतर पलटाया, अंदर उल्टाया। बुद्धि उल्टी है, उन्होंने शब्द उल्टा दिए। अगर ये बात सच है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना, लोगों ने इसका अर्थ कर दिया कि वो राम की जगह मरा मरा कर रहे थे तो उनकी मुक्ति हो गई, तो फिर तुम राम राम काहे कर रहे हो मूर्ख, तुम भी करो मरा मरा, पागलों की बात हुई ना ये। मन का अंतर्मुख होना, मन के अंतर्मुख होने पर पहले अपने आप से मुलाकात होगी और फिर अपने आप में ही राम की मुलाकात हो जाएगी। यारी सब का जो आज का हम पद ले रहे हैं, इसमें हाँ शब्द का उपयोग है और हाँ मतलब मैं सब, मैं मेरे पिया के संग होरी खेलूं, ये भाव है इसमें। भक्ति का ये है, श्रद्धा का है, और जब तक सत्य प्रकट नहीं हुआ जीव में, जो भाव प्रेम का आता है, प्रभु कौन है मैं ये जानूं, मैं पहचानूं, और अपने प्रभु के संग होली खेलूं। दरस परस पतिव्रता पिए को, मैं अपने पति की, प्रभु की पतिव्रता हूं। पतिव्रत अर्थ जागृत के स्वप्न के सुषुप्ति, वेकिंग ड्रीमिंग और इन डीप स्लीप I always remember you. I don't do it, it is there. मैं याद करता नहीं, याद रहती है।
करना कृतम है, मैकेनिकल है, यू कैन डू इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बट दैट विच हैपन्स कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। यारी कहते हैं मैं पतिव्रता हूं अपने प्रभु की, छवि निरखत भई बौरी, बौरी माने दीवानी, छवि माने उसका चेहरा, छवि देखी जब प्रभु को देखा दीवानी हो गई। हाँ तो खेलों पिया संग होरी, ने प्रभु के साथ होली खेलूं, प्रभु के साथ होली वही खेले जो पूर्ण रूपेण प्रभु का हो चुका, मन से बुद्धि से चित्त से बस उसी का है। भले वो संसार में रहता है शरीर से, पर मन से प्रभु के साथ खाते पीते उठते बैठते काम करते व्यवहार करते, दुनिया का थोड़ा सा भी दुनिया का आग्रह नहीं, देयर इज नो विलफुल अर्ज टू बी कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। वर्ल्ड इज देयर जस्ट लाइक अ ड्रामा हैपनिंग इन बिटवीन एक्टर्स, just an acting happening। कहीं पिता होने की, कहीं मां होने की, कहीं बहन होने की, कहीं गुरु होने की, वो एक्टिंग कर लेता है, लेकिन मन से वो अपने निभाए किसी भी चरित्र से एक्ट से जुड़ता नहीं। सोरह कलह संपूर्ण देखो रवि ससि भे इक ठौरी, मेरा प्रभु 16 कलह संपूर्ण है, जितनी ललित कलाएं हो सकती हैं वो सब उसमें, क्योंकि सब कलाएं उसी से तो निकली हैं। रवि ससि भे इक ठौरी, ये बात फिर से इड़ा और पिंगला की आ गई, सूर्य और चंद्र एक हो गए। पहली पंक्ति में जो कह रहे हैं यारी साहब, मैं अपने पिया संग होली खेलूं, ये प्राप्ति के बाद की बात है। पर प्राप्ति होगी कैसे, उसकी प्रक्रिया आगे, उसकी प्रोसेस वो आगे दे रहे हैं। जब ते दृष्टि परो अविनाशी, जब से उस अविनाशी पर नजर गई है, लागो रूप ठकोरी, उसके रूप ने मुझे ठग लिया। किसके रूप ने, जो खुद निराकार अरूप अगम, उसने ठग लिया। हाँ तो खेलूं पिया संग हो रही, मैं अपने पिया संग अब प्रेम की आनंद की होली खेल रही हूं। स्त्री भाव में है, प्रभु को पुरुष भाव में कह रहे हैं, प्रेम का इजहार कर रहे हैं। रसना रटत रहत निस्बासर, मेरी जुबान जो बोले तो बस उसका नाम बोले, निस्बासर मैंने हमेशा। नैन लगो ये ठौरी, मेरे नैनों को ये रास्ता बहुत प्यारा हो गया, वही रास्ते बार बार जाते। कह यारी भक्ति कर हरि की, कोई कहे सो कहोरी, यारी तू तो प्रभु की भक्ति कर, बाकी दुनिया क्या कहती उसको कहने दे। कोई कहे सो कहोरी, लेट देम वैग देयर टंग्स, लेट देम से व्हाटएवर दे विश टू से। मैं एक ही काम करूं, मैं होली खेल अपने पिया के साथ।
Thank you.
लागो रूप ठगोरी, लागो रूप ठगोरी, रस नारते ते रत निश्वासर, रस नारते ते रत निश्वासर, नयन लगो ये ठौरी, नयन लगो ये ठौरी, हाँ तो खेलो, हाँ तो खेलो, हाँ तो खेलो, हाँ तो खेलो, पिया संग संग होरी, हाँ तो खेलो प्रिया संग होरी।